श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य 16 जुलाई से कर्क राशि में रहेंगे, इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे और मंगल मेष राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे और बुध का राशि परिवर्तन जुलाई के महीने में दो बार होगा। 2 जुलाई से वो मिथुन राशि में अपना प्रवेश करेंगे और 17 जुलाई से उनका गोचर कर्क राशि में होगा और शुक्र 13 जुलाई से मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वो अपने गोचर को वृषभ राशि में रखेंगे और शनि का जो गोचर होगा वो 11 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेगा और 12 जुलाई से उनका गोचर मकर राशि में हो जाएगा। राहु का गोचर जुलाई के पूरे महीने में मेष राशि में ही रहने वाला है और केतु का गोचर पूरे महीने जुलाई के तुला राशि में रहेगा और गुरु का गोचर मीन राशि में रहेगा और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी जुलाई के महीने में। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले मीन राशि वालों के प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे पूरे महीने के अंदर। तो प्रेम संबंधों के मामले में देखा जाए तो गुरु का गोचर आपके प्रथम भाव में रहेगा और गुरु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। और 12 जुलाई से आपके पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी आ जाएगी। तो 12 जुलाई से शनिदेव दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव को। 11 जुलाई तक की अगर मैं बात करूँ प्रेम संबंधों में, तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके जो मंगल हैं उनकी दृष्टि भी, चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ थोड़ा सा संयम से कार्य लें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि रिश्ते में अप एंड डाउन आपके प्रेम संबंधों में मीन राशि वालों को जुलाई के महीने में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टि है वो 12 जुलाई से आपके पंचम भाव पर आ जाएगी और मंगल की जो दृष्टि है वो पूरे महीने यहाँ पर रहेगी, चौथी दृष्टि। तो प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ के बाद विवाद संभव हैं और रिश्ते में अप एंड डाउन भी संभव हैं, इसलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन बिल्कुल ना करें इस महीने। इस बात को ध्यान रखें, अपने साथी की बात को गंभीरता से सुने और उसकी सच्चाई समझें और अच्छा होगा कि अगर आप हंसी मजाक में भी कोई भी बात अपने प्रेमी प्रेमिका को ऐसी ना कहें जो उसको बुरी लगे, तो अच्छा रहेगा। हालांकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी जो कि आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रख लेंगे और प्रेम संबंध भी आपके सामान्य रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने साथी पर विश्वास बनाए रखना होगा और अपने साथी के साथ किसी भी वाद विवाद से दूर रहना जरूरी होगा। कुछ मीन राशि वाले लोग जुलाई के महीने में अपने पुराने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात भी सोच सकते हैं और आपके प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई साथी आ जाए या किसी से बातचीत चल रही है उसको प्रपोज करना चाहते हैं, अपने मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अगर बात करूं तो उनके लिए जो ज़्यादा अच्छा समय रहेगा वो आप 11 जुलाई तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12 जुलाई से जो है शनिदेव की दृष्टि भी आ जाएगी। तो अगर आपने किसी भी अपने मित्र को या किसी भी अपने साथी को कोई भी बात अगर ऐसी बोली जिसमें सच्चाई नहीं है, तो आपके संबंध बनते बनते ख़त्म हो जाएंगे, यानी आपका जो साथी आपको जो मिलने वाला है, जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, वो रिश्ते में नहीं आ पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें
और जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ जाए, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि 11 जुलाई तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर उसके बाद बातचीत करते हैं तो बहुत ही आपको ईमानदारी के साथ सभी बातें अपने प्रेमी प्रेमिका को बतानी होंगी, तो ही आपकी बात बन सकती है। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो कन्या राशि है सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध पहले तो 2 जुलाई से मिथुन राशि में रहेंगे यानी कि चौथे भाव में रहेंगे और 17 जुलाई से कर्क राशि में रहेंगे। तो गोचर तो अच्छा है बुध का, तो आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा था तो इस महीने आप उसे भी समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बुध का गोचर भी अच्छा है और गुरु की दृष्टि भी अच्छी है, तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप दोनों भावनात्मक तौर पर भी एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ समय भी ज़्यादा गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का प्लान कर सकते हैं या आप यात्रा पर जा सकते हैं जो कि एक सुखद यात्रा होगी, यानी वहां पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस महीने बातचीत करते वक्त इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपनी वाणी पर संयम बहुत रखें, वरना जो बातें आपने नहीं कही हैं या जिन बातों को आप नहीं कहना चाहते हैं, आपने अपने हिसाब से अच्छी बातें कही हैं लेकिन उन्हीं बातों को आपके ससुराल के पक्ष के लोग गलतफहमियां बना देंगे और गलतफहमियों के चलते आपके जीवन साथी के साथ, आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद संभव हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। विवाह से अलग अगर किसी के संबंध हैं तो वहां पर भी आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11 जुलाई तक आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 12 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में सामान्य परिणाम भी देखने को मिलेंगे। चलिए संक्षिप्त में आपके सामान्य राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है, क्योंकि गुरु आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो वहाँ पर गुरु दशम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके व्यापार कारोबार में मजबूती मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी और मंगल की दृष्टि भी वहाँ पर रहेगी, तो आप में ऊर्जा रहेगी, आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे। और बृहस्पति आपके प्रथम भाव में होंगे ही तो अच्छा ही रहेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी लेकिन वहाँ पर दूसरे भाव में राहु का गोचर भी है, तो पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा सामान्य या अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। और आर्थिक जीवन आपका ठीक रहेगा लेकिन वहाँ पर राहु हैं तो अचानक लाभ और हानि भी देखने को मिल सकती है, आपके अचानक कोई खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और ख़ासकर 12 जुलाई से इस बात का ध्यान रखकर ज़्यादा ही चलना होगा। और बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम ही मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाएं और योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, इन बातों का ध्यान रखकर चलें, बाहर के खान पान से बचें, अपने जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसको सही करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें, आपके राशि स्वामी गुरुदेव हैं तो आप विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें और ब्राह्मण को गुरुवार वाले दिन पीली वस्तुओं का दान करें। चने की दाल कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं और अपने बड़ों का और गुरुजनों का सम्मान करें। और गुरुवार को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गाय को आप रोटी खिला सकते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।